इस वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। यूनिट 4 का पहला टॉपिक है एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इस वीडियो में मेनली हम ये देखने वाले हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या कॉजेज हैं जिसकी वजह से एंडेंजर्ड स्पीशीज बढ़ती जा रही हैं। तो यूनिट 1, 2 और 3 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तीनों ही यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में। एंडेंजर्ड स्पीशी इज अ स्पीशी दैट इज़ हाईली लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट सून। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होती हैं, जिन्हें एक्सटिंक्ट होने का डेंजर होता है। एक्सटिंक्ट क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में। तो मैं आपको बता दूँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अलग होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती हैं। जैसे पुराने समय में डायनासोर्स पाए जाते थे लेकिन अब डायनासोर्स नहीं पाए जाते, इसका मतलब डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, उनकी प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब वो नहीं पाई जाती। वैसे ही कुछ तरह के पिकॉक हैं, कुछ तरह के काफ़ी प्लांट्स एनिमल्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पहले पाए जाते थे लेकिन अब वो नहीं पाए जाते, उनकी वेराइटी अब नहीं मिलती, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो जाएंगे। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, चाहे वो एनिमल की बात हो या प्लांट की बात हो, स्पीशीज होती हैं जो एक्सटेंशन के डेंजर पे होती हैं, यानी बहुत ही कम पाई जाती हैं और धीरे धीरे एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज मे बी एट रिस्क ड्यू टू सम फैक्टर्स सच एज हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड स्पीशीज बढ़ती जा रही हैं, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज इन एनिमल और प्लांट दैट्स कंसीडर्ड एज रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। एंडेंजर्ड स्पीशी एक प्लांट की स्पीशी भी हो सकती है और एक एनिमल की स्पीशी भी हो सकती है जो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे हो या एक्सटेंशन के कगार पे हो। ठीक है, जिन्हें एक्सटेंशन का डेंजर होता है, जो पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे हो रही होती, बहुत कम वैसी वैरायटी पाई जाती है, तो उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक, फिर अ स्पीशी कैन बी लिस्टेड एज एंडेंजर्ड एट द स्टेट, फेडरल एंड इंटरनेशनल लेवल। एक किसी भी स्पीशी को, एंडेंजर्ड स्पीशी को कैरेक्टराइज किया जाता है स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको बांटा जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट भी बनाया गया है ताकि हम इन एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व कर पाए, इनको बचा के रख पाए, इनको प्रोटेक्ट करें, ताकि ये एक्सटिंक्ट होने की तरफ ना बढ़े या धीरे धीरे से इनकी पूरी प्रजाति खत्म ना हो। स्पीशीज एक्ट ESA भी बनाया गया है, इनएक्टेड टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। जो स्पीशीज हमें लगता है ये एंडेंजर्ड है और एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। ठीक, फिर देखते हैं फर्दर। एंडेंजर्ड स्पीशीज, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दोज स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। ये हमने पढ़ा, जो एक्सटेंशन के डेंजर में होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी, एंड हुज सर्वाइवल इज अनलाइकली इट इज इफ द कॉजल फैक्टर कॉन्टिन्यू ऑपरेटिंग। इसका ये मतलब है, अगर जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रही हैं, अगर इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल नहीं है, मान लीजिए कोई स्पीशी है वो ड्रॉट में रह रही है, तो कुछ दिनों तक वो रहेगी, फिर अगर वैसा ही ड्रॉट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लंबे समय तक बनी रही, तो उनकी सारी स्पीशीज धीरे धीरे मरने लगेंगी, फिर उनकी वो प्रजाति धीरे धीरे खत्म होने लगेगी पर्टिकुलर एनिमल्स की। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन लॉन्ग टर्म तक रहा, तो भी ये एक फैक्टर है किसका, एंडेंजर्ड स्पीशीज का। ठीक, हेयर द हैबिटेट हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस दैट दे आर डीम टू बी इन इमीडिएट डेंजर टू एक्सटेंशन। और इसी तरह जो उनका हैबिटेट है जहाँ वो रह रही हैं, ये धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है और उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे खत्म होती है। एग्जाम में आप इसी तरह एंडेंजर्ड स्पीशीज को पहले थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप लिख देंगे कि एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ आर, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। तो टाइगर, वाइट टाइगर, लॉयन, पैंथर, स्नो लेपर्ड, यहाँ पे काफ़ी नेम्स लिखे हुए जो आपको ईजिली याद हो पाए, मैक्सिमम आप 10 एग्जाम में लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के एंडेंजर्ड स्पीशीज ये होती हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर देखते हैं क्या कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ थ्रेट टू स्पीशी और द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, किसकी वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिप्लीट होती जा रही है। मैनी फैक्टर्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टन स्पीशीज। यहाँ पे नेचुरल फेनोमेना भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और मैन मेड भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, कॉजिंग देम टू बिकम रेयर और इवन एक्सटिंक्ट, धीरे धीरे उनको रेयर कर देता है या फिर एक्सटिंक्ट ही कर देता है पूरी तरह से। नॉर्मली फॉर अ स्पीशी द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट
its evolution, spread finally become extinct very slow in time and space. और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो endangered species होती हैं वो extinction की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हैं. मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी plant को या किसी animal की प्रजाति को कुछ महीनों पहले देखा हो और थोड़े महीनों बाद, दो तीन महीने बाद ही वो प्रजाति ख़त्म हो गई हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है. ये टाइम काफ़ी, जो ये प्रोसेस है काफ़ी स्लो होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, जैसे दो तीन साल बाद वो पूरी प्रजाति ख़त्म होती है. कुछ ही महीनों में ये चीज़ नहीं होती, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है. ठीक, नेचुरल फेनोमेना में देखते हैं. सेवरल स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू सर्टन नेचुरल फेनोमेना. बहुत सारी स्पीशीज़ नेचुरल फेनोमेना के कारण ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. लैंड अपहीवल, वॉल्केनिक इरप्शंस, ग्लेशिएशन, प्रोटेक्टेड पीरियड्स ऑफ रेन, ड्रॉट, स्प्रेडिंग डिजर्ट लैंड्स, फॉरेस्ट फायर, यूट्रोफिकेशन इन जियोलॉजिकल पास. ठीक है, पूरे पूरे एरिया को जब लोग फायर कर देते हैं, या हंटिंग जो होती है, काफ़ी ऐसे मैथड्स हैं. और अगर नेचुरल फेनोमेना की बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, लैंड अपहीवल है, इस तरह का कोई अगर डिजास्टर हो जाता है तो वहाँ का जितनी भी रहने वाली पॉपुलेशन होती है वो सब मर जाती है, इस तरह भी उनकी एक प्रजाति ख़त्म होने. सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंटल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन. इन रीसेंट टाइम मैन विद हिज प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, फायर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल्स और बाय सेवरल अदर मैकेनिकल मीन कॉज डिजास्ट्रस कंडीशन इन नेचुरल इकोसिस्टम. तो मैन मेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बढ़ती जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, अपने वो डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाते हैं, इस वजह से पर्टिकुलर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बढ़ती जा रही हैं. ठीक, थर्ड देखते हैं पॉइंट, हैबिटेट ऑल्टरेशन. पहला है एब्सेंस ऑफ कवर और शेल्टर. जब उनको प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल पाती, द फॉरेस्ट वेजिटेशन, टॉल ग्रासेस, मार्जिन ऑफ रिवर्स, अनसीन ग्राउंड आर यूज एज कवर और शेल्टर बाय द वाइल्ड एनिमल्स. ठीक, इतनी जगह उनके शेल्टर के लिए यूज़ होती है, लेकिन जब ये सब जगह बचेंगी नहीं तो उनको शेल्टर के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाएगी. इन एब्सेंस ऑफ प्लांटी कवर, एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव इवन फूड एंड वाटर अवेलेबल इन प्लांटी. फूड और वाटर जब भारी मात्रा में अवेलेबल हो फिर भी एनिमल्स जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर शेल्टर और कवर नहीं मिल पाता. जब वो प्रोटेक्टेड ही नहीं रह पाएंगे, किसी प्रोटेक्टेड जगह पे नहीं रह पाएंगे, तो प्रीडेटर्स या किसी भी द्वारा उनकी हंटिंग कर दी जाएगी या फिर उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. तो उनको प्रॉपर शेल्टर मिलना भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन बी, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ मूवमेंट. उनके एरिया में रिडक्शन होने लगता है. कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू कल्टीवेबल लैंड. जब फॉरेस्ट एरिया को लोग कल्टीवेबल एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनके लिए जो जगह है वो कम हो जाती है, वो एक कन्फाइंड एरिया में रहने लगते हैं, कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरियाज. ये भी एक रीज़न है जो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो प्रॉपर तरह से अपनी पॉपुलेशन को ग्रो ऑन नहीं कर पाते और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाते हैं. ठीक, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा. फ्लोरा होता है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है, उसे हम फ्लोरा कहते हैं. टू गेट टिम्बर एंड फायरवुड, मैन हैज़ कट एंड डिस्ट्रॉय मेनी वाइल्ड प्लांट्स विच फॉर्म द फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. फूड इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. इट मे रिजल्ट इन अल्टीमेट फूड डिप्लीशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स. तो अगर हम फ्लोरा का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टिम्बर लिए ले रहे हैं, फायरवुड लिए ले रहे हैं, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं अपनी मैन मेड एक्टिविटीज़, अपने नीड के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें जो फूड मिलता था वो अब फूड नहीं मिल पाएगा. ठीक, तो जब उन्हें फूड ही नहीं मिल पाएगा, फूड का जो डिप्लीशन होने लगेगा, तो ये वाइल्ड लाइफ का एक्सटेंशन बढ़ने लगेगा. डी है बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज. मोस्ट ऑफ रोड रेलवे रूट्स पास थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. दिस रिस्ट्रिक्ट द एरिया ऑफ मूवमेंट फॉर द एनिमल्स. मेनी एनिमल्स रन अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ पासिंग व्हीकल्स. ठीक है, जब रोड्स और रेलवेज किसी डेंस घने जंगल के बीच से बनने लगेंगे तो उनके लिए वैसे भी एरिया कम हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा, और वैसे भी जितने भी व्हीकल्स वहाँ से निकलते हैं उसकी नॉइज़ की वजह से बाकी एनिमल्स जो हैं वहाँ से भागते हैं. तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो सारे मिला के एंडेंजर्ड स्पीशीज बन जाती हैं. ई है हमारा पॉल्यूशन. द रिवर्स एंड स्ट्रीम रनिंग थ्रू फॉरेस्ट एंड प्लेन्स कंटेन एफ्लुएंट्स एंड मैनी फैक्ट्रीज विच मेक द रिवर वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब बहुत सारा जो वाटर है वो उनके लिए कंटामिनेटेड होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट है जो हार्मफुल होता है वो वाटर में ही मिक्स हो जाता है. फिर वो जो वाटर इनटेक करेंगे उनके लिए वो पॉल्यूटेड होगा, कंटामिनेटेड होगा. इस तरह जो एनिमल्स उसका इनटेक कर रहे हैं उनको डिजीजेस हो जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है. ठीक, देन फोर्थ है हमारा हंटिंग. हंटिंग फॉर मनी. जो मनी के लिए हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, जब उनको लेदर बनाना रहता है या बैग के लिए, पर्सेस के लिए, बहुत सारे ऑर्नामेंटल्स बनाने के लिए उनको जो स्किन चाहिए होती है एनिमल्स की, तो वो मनी के लिए हंटिंग करते हैं. ये भी एक
फैक्टर जिसकी वजह से एनिमल्स की कुछ कुछ प्रजाति खत्म होती जा रही है। अगर उनकी अच्छी क्वालिटी की स्किन है जिससे बढ़िया लेदर बनाया जा सकता है तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, लोग उन्हें मार दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ गुड टाइगर स्किन इज़ वर्थ 3 to 5,000 rupees, इतना ये कॉस्टली बिकता है, इस वजह से भी इसे किया जाता है। सिमिलरली द टस्क ऑफ एलिफेंट इज ऑल्सो टू कॉस्टली, ये भी बहुत महंगा बिकता है। ठीक, हॉर्न ऑफ राइनोसॉरस कैरी गुड प्राइस, जो राइनोसॉरस का हॉर्न होता है वो भी काफ़ी अच्छा बिकता है। तो ये सब यहाँ पे फैक्टर्स हैं, इस वजह से हंटिंग करी जाती है मनी के लिए, हंटिंग करी जाती है अपनी प्लेजर के लिए, बहुत लोगों को शौक होता है, उनकी हैबिट होती है। ठीक है, तो वो अपने प्लेजर के लिए हंटिंग करते, ये भी एक फैक्टर है। प्रिमिटिव हंटिंग मेथड्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स में क्या किया जाता था, पॉइजन रख दिया जाता था जिससे कि हंटिंग हो जाती थी और बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक, या फिर वो क्या करते थे, फायर लगा देते थे पूरे फॉरेस्ट में एक ही डायरेक्शन से, तो वहाँ पर भी जितने एनिमल्स थे उनकी प्रजाति धीरे धीरे इस तरह भी खत्म होने लगी। फिफ्थ पॉइंट है लीगल लैप्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ बाय सुटेबल लॉज, द एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडिक्वेट एंड देयर इज अ लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव लॉज। यहाँ पे ये कहने का मतलब है जो भी लॉज अवेलेबल हैं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए वो इनएडिक्वेट हैं, इनएडिक्वेट है यानी सफिशिएंट नहीं है, तो और भी लॉज यहाँ पे इंपैक्ट करने चाहिए, और भी लॉज बनाने चाहिए जिससे अपनी वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर पाए। जो भी लॉज हैं वो प्रॉपरली एनफोर्समेंट उनका नहीं हो रहा है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट लिखा हुआ है ना, तो अच्छे से हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही। तो ये वीडियो था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर, आई होप यू ऑल लाइक इट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन, थैंक यू।